हे कृष्ण, तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। प्रेम का सागर लिखूं या चेतना का चिंतन लिखूं, प्रीति की गागर लिखूं या आत्मा का मंथन लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। यानी उनका गुंथन लिखूं या गाय का ग्वाला लिखूं, कंस के लिए विष लिखूं या भक्तों का अमृत प्याला लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। पृथ्वी का मानव लिखूं या निर्लिप्त योगेश्वर लिखूं, चेतना चिंतक लिखूं या संतृप्त देवेश्वर लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। जेल में जन्मा लिखूं या गोकुल का पन्ना लिखूं, देवकी की गोदी लिखूं या यशोदा का लड़का लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। गोपियों का प्रिय लिखूं या राधा का प्रिय तब लिखूं, रुक्मणी का श्री लिखूं या सत्यभामा का श्री तब लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। देवकी का नंदन लिखूं या यशोदा का लाल लिखूं, वासुदेव का तने लिखूं या नंद का गोपाल लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। नदियों सा बहता लिखूं या सागर सा गहरा लिखूं, झरनों सा झरना लिखूं या प्रकृति का चेहरा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। हे कृष्ण, तुम पर क्या लिखूं, कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित, चाहे जितना लिखूं। कृष्णा, द एपिटमी ऑफ लव, सैक्रिफाइस, डिवोशन, डिविनिटी, टेंडरनेस, कामनेस, प्योरिटी एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली द सेवियर टू अस फॉर ईच एंड एवरी ऑब्स्टेकल वी फेस। कृष्णा थ्रू हिज टीचिंग्स टॉट इन भागवत गीता has enlightened this world by far and will always continue to do so. Let's recapitulate those divine moments of Krishna Katha when this world was confronted with the eternal knowledge. Let's introduce you to our audacious team and their mentor, their guru, their friend and a great director, S.T. International Family proudly introduces you to Mr. Ramesh Khanna, a very well-renowned actor and artist with an experience of over 35 years. He has performed in 140+ plays and has worked with many prestigious academies like the Hindi Kala Parishad, Hindi Academy and Punjabi Academy. Let's welcome them with a huge round of applause. बच्चों के माता पिता का और जितने भी गणमान्य अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं उन सबका मैं रमेश खन्ना आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सुस्वागत, स्वागत है आपका इस कृष्णा जो एसटी इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 15-20 दिनों से शायद यही समय मिला होगा जिस नाटक को करने में 2-2.5 महीने लगते हैं उसको आपके बच्चों और मेरे ख्याल प्रिंसिपल रुच मैम के प्रयास द्वारा जो संभव हो पाया कि बच्चों के अंदर अभी बात मैम कर रही थी कि कृष्ण की भक्ति में कितना मेरिट है, हर कोई उसमें रम जाता है, ये संदेह है। हम जब कामना का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं तो चारों तरफ जो है एक ऐसा उल्लास, ऐसी प्रसन्नता पैदा हो जाती है, हमें एक लो लगा देती है उस परमात्मा के साथ, प्रेम के द्वारा, गीतों के द्वारा, नाटक के द्वारा, किसी प्रकार से भी हम जो है उस कृष्णा से हम तक जुड़ते हैं। कृष्ण देखो ना, कभी मैं कहीं पढ़ रहा था तो उतना अच्छा लिखा होता कि एक बहुत बड़े काना शाह कुमार ने उसने कोई राजनीतिक गठजोड़ नहीं किया, कोई बाहरी सेनाएं नहीं, कोई बाहरी सहायता नहीं, एक बालक एक
में मिटता नहीं। ड्रामा एक ऐसा माध्यम है जिसमें बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो पैदा होता ही है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास तो जागता ही है कि मंच पे खड़े होकर उस पात्र को निभाना, उन महान पात्रों को अभिव्यक्त करना अपनी कला है। ये बहुत बड़े, जिस तरह से आप क्रिकेट में देखते हैं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, बड़े बड़े जितने महान खिलाड़ी हुए उनका नाम, उसी तरह से हमारे कलाकार, उसी महान कलाकार। मैंने इनके साथ एक महीना जो भी कर दिखाया है, मेरे 35 वर्ष के जीवन में क्योंकि बच्चों के साथ मैं काम करता रहा हूँ और आपकी जो एज है उनके साथ भी काम करता हूँ, मेरी भी एज है उनके साथ भी काम करता हूँ, बच्चों के साथ लगातार काम करता हूँ। यहाँ आकर के मुझे बच्चे मिले, मैं गर्वित हो जाता हूँ। एक से एक बच्चा जो है इतना टैलेंटेड है, एक से कुछ बच्चे तो इतने हैं, मुझे लगता है कि उनमें निर्देशक बनने की संभावना है। विकास, मयंक, मैं किस किस का नाम, 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे अपने आप में महान, जिन साथियों को आप फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी पे या सिनेमा में देखते, ये आपके जो लिटिल स्टार हैं, ये मैं समझता हूँ उससे बड़े, उससे बड़े स्टार। आप यकीन माने, एक बच्चा अगर एक संवाद नहीं बोलता तो दूसरा बच्चा उसका संवाद उठा लेता है। कोई बच्चा रेस्ट के लिए क्लास में गया है कि थकाना भी नहीं, तो दूसरा बच्चा फट से कहता सर मैं प्रॉक्सी करूंगा। कंस की प्रॉक्सी फिल्म पर 8 बच्चों में थी, आपके बच्चे 8 बच्चे, मतलब मेरे पास 8 कंस तैयार हैं, 8 कृष्ण तैयार हैं, 8 उपसेन तैयार हैं। ऐसे अगर हम और शो करते हैं इसके 2-3 शो, तो हम सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं नए नए एक्टरों के साथ। तो कमाल किया, अद्भुत किया है बच्चों, उनका इमेजिनेशन, इंस्पायरेशन इतनी जबरदस्त है। इस फॉर्म जब वो मंच पर करते हैं तो एक दूसरे को निर्देश नहीं देते कि नहीं तुमने गलत हुआ। ये सब हुआ कैसे, ये स्कूल की मैनेजमेंट ने सोचा इन बच्चों के ऊपर ड्रामा थिएटर यूज किया जाए, जिसकी आज देश भर में नहीं दुनिया भर में आप कुछ मालूम होना चाहिए, पूरी दुनिया में थिएटर जो है सब्जेक्ट के रूप में जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमारे सिलेबस में कुछ ना कहा, हम कोई भी किताब का पढ़ना पढ़ते हैं शायद कुछ क्षणों तक उनको याद रहता है, लेकिन जो विजुअल देखते हैं वो जिंदगी में कभी हमारे से हमारे माता से घटता नहीं, वो आत्मसात। मैं बच्चों के साथ खेला करता हूँ, जैसे आपसे भी 2 मिनट लूंगा बच्चों की गेम, बच्चों की छोटी सी बात। मैं आपसे कहता हूँ मेरे साथ दोहराइएगा, पहाड़ी पे पेड़, बोलिए पहाड़ी पे पेड़, बोलो आवाज आ रही थी मेरे कानों तक, पहाड़ी पे पेड़, पहाड़ी पे पेड़ में तना था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डालियां। पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ में तना था, तने में डालियां थी, डालियों में पत्ते थे, पहाड़ी पे पेड़ था। ये एक उदाहरण स्वरूप मैंने बताया, एक एक शब्द हम जोड़ते हैं तो वो पोएट्री जो है वो हमारे दिमाग में बस जाता है। उसी तरह से हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, या कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, वो सब उसमें ड्रामा अगर उसका पक्ष डाला जाए तो बच्चा बड़ी जल्दी चीजों को पकड़ लेता है और भूलता नहीं। तो थिएटर की एज ऐसी है बच्चे की, मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता
अगर वो थिएटर की वर्कशॉप कर लेता है ना एक बार, वो पढ़ने में सबसे आगे हो जाता है। जो बच्चा शरारती है वो सुपरस्टार निकल के आ जाता है। जो बच्चा बिल्कुल एकांत में चुपचाप बैठा रहता है, उसके अंदर की चीजें इतनी निकलती है, आप यकीन ही नहीं करेंगे वही बच्चा मंच पर आप सबका मन मोह लेगा। ऐसे बच्चे अभी आने वाले हैं, आपके बच्चे जिनको आप देख के खुद हैरान हो जाएंगे, अरे ये हमारा बच्चा मंच में इस तरह से कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारा ग्रुप में साकार हो जाता है कि ड्रामा पर वो भी ड्रामा कैसा, वो भी नाटक कैसा जो कृष्ण की लीलाओं पर बाल लीलाओं पर आता है। बच्चों को मालूम होता है ना कि कंस कैसा क्रूर है, कैसा अपनी बहन के साथ क्रूर अत्याचार करता है, कैसा कारागार में डालता है। तो ये उनको ज्ञान हो जाता है कि अरे सारी प्रजा बिलख रही है, उसके पिता के पास जाती। वैसे नाम हम किसी से पूछेंगे कंस के पिता का नाम क्या था, नहीं बता पाएंगे। जब ड्रामा के माध्यम से देखेंगे तो सभी बच्चे बता देंगे। और कृष्ण ने मैं यहां मैं एक बात की थी कि नारी जाति के सम्मान के लिए उतना आगे रहे, बड़े बड़े आरोप दूसरी धारा के लोगों द्वारा लगाए जाते हैं कि कृष्ण ऐसे थे या उसके लिए हास्य वाली चीजें कर रखी थी। उन्होंने कृष्ण को जाना ही नहीं, वो सर्वोपरि है। उसको जो समझेगा गहराई में उतरेगा तो पता चला जाएगा उसको मार। ऐसा ज्ञान ऐसा सोच हमारे अंदर पैदा कर देगा जिसका हम यह अभिव्यक्ति पूरी तरह से कर ही नहीं सकते। तो एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, बच्चे खूब जोर शोर से करेंगे, सीट खत्म हो क्लैप जरूर कीजिएगा, बच्चों को इससे मनोबल उनका बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। और ऐसे स्कूल आगे भी इस तरह से नाटक जो है आपके बच्चों को लेकर करता रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। आप सोचिए पहले रीडिंग कराई जाए, पहले बच्चों से गेम्स कराई जाती है, आवाज के ऊपर काम किया जाता है, एक्सप्रेशन के ऊपर काम किया जाता है, मूवमेंट्स के ऊपर काम किया जाता है। डायलॉग बोलना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मूवमेंट्स के बाद फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर काम होता है कि राजा कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा। फिर उसके बाद फिर आ जाती है उसके इमेजिनेशन काम करती है, फिर याद के जाता, फिर रीडिंग का एक सर्कल बनता है। 10-15 दिन तो रीडिंग के लग जाते हैं, लेकिन आपके बच्चों ने मुझे दिख जाते हैं 15-20 दिनों के अंदर जो है ये नाटक जो है करके और सामने कुछ ही क्षणों में आपके सामने सुनाने वाले हैं। और इनकी हौसला अफजाई के लिए आप तालियां जरूर कीजिएगा, लेकिन सीन दृश्य समाप्त होने के लिए या आप ऐसी कोई जगह तक। और बच्चे अगर गलतियां करते भी हैं तो लाइव परफॉर्मेंस है ना। और दूसरी बात ये थोड़ा सा पंखे हैं, आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज अगर मिक्स हो, मैं आपसे हाथों के निवेदन करना चाहूंगा शायद उस गर्मी को भूल जाए। अगर कुछ क्षण के लिए पंखे बंद भी करने पड़े, अगर आवाज नहीं जाएगी तो बुरा भी नहीं मानेंगे ना, बंद कर सकते हैं ना पंखे, क्योंकि मेरे बच्चों की जो मेहनत है वो बेकार है। क्योंकि पंखों का एक शोर है मैं मान सकता हूँ, धीरे धीरे अभी तो ऑडिटोरियम बन रहा है ना, साउंड एकॉस्टिक होता है जिसमें आवाज गूंजती नहीं है। अब देखो अब मेरी आवाज आप बड़े प्यार से सुन, बस इतना चल रहा है ठीक है, तो थोड़ा झेल लेंगे ना। थैंक यू। तो लीजिए प्रस्तुत है हमारा नाटक कृष्ण। यदा यदा विद्धर्मस्य ग्लानिः
Yeah.
Yeah!
कितना बढ़िया संदेश दिया कि पूजा जो प्रकृति की करनी चाहिए, गाय हमें दुख, वृक्ष हमें जीवन दे। सदियों पहले आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, सदियों पहले हमारे ध्यान में बता दिया गया कि प्रकृति का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए।
सुनना, यदि प्रपाव्य में इसी मोह है, अर्थात प्रयास से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं, जल के बार बार गिरने से तो शिला भी छोटी हो जाती है। With effort, even impossible things get accomplished. Even a rock gets thinner with repeated fall of water. Today, on this Teachers' Day, we invited you here. Thank you all for efficiently rendering the culture, the heritage, the moral values to uplift the future growth of your child. We respect and would like to witness more of your selfless contribution. नचोर हारे न च राज हारे न भ्रात्र भाज्य न च भार कार्य व्यय कृते वर्तते हित्यम विद्या धनम सर्वे धनम प्रधानम। एजुकेशन इज द बेस्ट वेल्थ अमंग ऑल, नो वन कैन स्टील इट, नो स्टेट कैन स्नैच इट, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स एंड इट्स नॉट हैविंग कैप। As one consumes or spends, it increases. As one shares, it expands. With your unmatched support and utmost belief, we could continue to educate and color the canvas of our students' lives with myriad of colors of dedication, hard work, joy, compassion, and love. Last but not the least, we would like to thank the torch bearers behind this wonderful act, without whom the efforts, the teamwork would not be possible. Our worthy principal ma'am, we would be delighted to have you with us on the stage for the vote of thanks. जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आई विल टेक अ मोमेंट बिकॉज द ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस ऑफ द किड्स इट एक्चुअली गॉट मी टीयरी आईड। सो आई जस्ट टेक अ मिनट। सो फॉर द ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस एंड द डेडिकेशन that the team has shown, I would request all of you to cheer them once again. As it is not a sheer coincidence, but the divine grace that we could get an opportunity to introduce our theater, our drama on this occasion of the Teachers' Day. It couldn't have a befitting gratitude, a tribute to all the teachers by their students. Happy Teachers' Day to all of you. Drama to the school and making it an integral part of our